जय हिंद मॉर्निंग गाइस, मैं गजेंद्र कुमार गोस्वामी आपके चैनल यूनिक ब्रेन स्टडी पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज हम चैप्टर लेके चल रहे हैं ब्लड, जिसको हम कहते हैं हिंदी में रुद्र या लहू खून। यह एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, यानी एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है जिसको कहते हैं एमा। यह इसको हम हेमटो कहते हैं, हेमो हेमो, और इसको जो अध्ययन करते हैं हम ब्लड का अध्ययन करते हैं इसको कहते हैं हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी यानी ब्लड के जो स्टडी करते हैं हम उसको कहते हैं हेमेटोलॉजी। ह्यूमन ब्लड जिसका पीएच वैल्यू होता है 7.4, ये मेल के अंदर 5.5 केजी, यानी आदमी के अंदर ये जो ब्लड होता है ये होता है 5.5 केजी के लगभग, यानी अप्रोक्स, और फीमेल के अंदर 5 केजी। यह लीवर में पाया जाता है या बोन मैरो जिसको हम बोलते हैं अस्थि मज्जा, हड्डियों के बीच में अस्थि मज्जा होता है उसमें पाया जाता है, लेकिन ये स्टोर रहता है स्प्रिंट के अंदर, स्टोर इन स्प्रिंट। स्प्रिंट के अंदर स्टोर रहता है जिसको हम कहते हैं हिंदी में प्लिया, और इस प्लिया को हम ग्रेवयार्ड और बैंक कहते हैं, यानी एक गुहा, एक ब्लड की गुहा जिसको हम जिसमें ब्लड स्टोर रहता है, यानी इसको हम कहते हैं प्लेट को ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड। इस ब्लड के अंदर ये ब्लड क्या है, यानी व्हाट इज ब्लड, ब्लड इज ए स्पेशलाइज्ड कोलाइड फ्लूड, यानी एक स्पेशल कोलाइड फ्लूड है स्पेशलाइज्ड कोलाइड। कोलाइड का मतलब होता है कि आप देखें यदि किसी ग्रास के अंदर आप नींबू को डालते हैं, नींबू को निचोड़ रहे आप, निचोड़ने के बाद में उसके जो नींबू के रसा से होते हैं रेशे से वो रह जाते हैं। आप चाय बनाते हैं, चाय बनाने के टाइम पर आप देखिए चाय बनाने में चाय पत्ती डालते हैं, दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं, जब छानते हैं उसको तो आपको चाय पत्ती का हिस्सा अलग मिलता है और चाय अलग मिलती है। इस तरह से ब्लड में भी चार चीज कॉन्टेंट है, चार चीज पाई जाती है जिसमें प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा के अंदर दो चीज होती है, इन चीजों में इस प्लाज्मा में दो चीज पाई जाती है, इसको एक बोलते हैं हम फिब्रिनोजन, और दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन।
ये प्लाज्मा एक लिक्विड टाइप का होता है और बॉडी के अंदर यह 55-60% होता है, यानी ब्लड के अंदर 55-60% प्लाज्मा फाइबर है। इसका इसमें जैसे बता रहा हूं मैं, दो चीज पाई जाती है, ये इसका रंग थोड़ा येलो कलर का होता है। यदि इन दोनों चीजों को निकाल दिया जाए, प्लाज्मा से इन दोनों चीजों को निकाल दिया जाए तो इसमें बचता है सीरम। और सीरम का कलर प्रॉपर येलो हो जाता है, यानी सीरम से ही हम लीवर का टेस्ट करते हैं। सीरम के टेस्ट से ही लीवर का टेस्ट किया जाता है कि लीवर के अंदर क्या परेशानी है। प्लाज्मा में पाए जाने वाली चीजें, अब देखिए क्या क्या होता है प्लाज्मा में। वाटर, शुगर, वाटर प्लाज्मा के अंदर, शुगर, साल्ट, इसके साथ प्रोटीन, प्रोटीन और इसमें मिलता है फैट। फैट जैसा कि आप देखते हैं घी वगैरह खाते हैं, जिससे कि यदि फैट आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, फैट का लेवल यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल यदि 2 से कोलेस्ट्रॉल लेवल यदि 200 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा माना जाता है, यानी 200 mg तक आपका कोलेस्ट्रॉल रहना चाहिए। प्लाज्मा काम है बॉडी को न्यूट्रिएंट पहुंचाना और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एंटीबॉडी से, जो एंटीबॉडी का काम करना और वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीशन से बाहर निकालना। इसमें हार्मोन्स वगैरह होते हैं, ये एक इसको हम प्लाज्मा को हम मैसेंजर्स कहते हैं, यानी केमिकल मैसेंजर्स कहते हैं। ये ब्लड क्लॉटिंग में भी काम करता है, यदि किसी को चोट लग जाए तो चोट लगने के बाद में जो ब्लड निकलना शुरू होता है उसमें धीरे धीरे आप देखें कुछ समय बाद में एक जाली बन जाती है और ब्लड अपने आप ही स्टॉप हो जाता है। यानी इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन, ग्लूकोज, आयरन, हार्मोन्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। जैसा बताया मैंने प्लाज्मा बॉडी का 60% ब्लड प्लाज्मा का होता है, बाकी होता है इसमें आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पल्स, जिसको मेडिकल की भाषा में एरिथ्रोसाइट कहते हैं, एरिथ्रोसाइट। और इसमें पाया जाता है दूसरा व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स, जिसको कहते हैं हम ल्यूकोसाइट। इसके अलावा एक चीज पाई जाती है जिसको बोलते हैं प्लेटलेट्स, इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। तो अभी हम देखते हैं कि आरबीसी के अंदर आप इसके साथ साथ मैं प्रारंभ ब्लड के साथ में सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, जब आप मेडिकल आपका ब्लड टेस्ट होता है तो सीबीसी होता है, सीबीसी कराते हैं और सीबीसी के अंदर सारी रिपोर्ट आती है कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीज की कमी है और क्या होना चाहिए, उसका एक पर्टिकुलर स्केल लेवल क्या है और वो कहां तक एक्सेप्टेबल है। तो हम अभी आरबीसी को चलते हैं। आरबीसी में इसका कलर डार्क, इसका कलर आरबीसी का ब्राइट रेड कलर का होता है। आरबीसी की लाइफ 120 डेज
आरबीसी की लाइफ। आरबीसी अकॉर्डिंग टू सीबीसी रिपोर्ट ये 3.5 से लेकर 5.5 मिलियन होना चाहिए, 3.5 टू 5.5 मिलियन पर म्यू लीटर होना चाहिए। आरबीसी के अंदर एचबी आयरन यानी इसके अंदर हीमोग्लोबिन आयरन की उपस्थिति होती है, इसके अलावा इसमें प्रोटीन होती है। आप देखें ब्लड के अंदर आपका जो ब्लड है ये आपका ब्लड जो अस्थि मज्जा है, अस्थि मज्जा मीन्स मैन जो बोन में हो बोन मोने के अंदर हड्डी के अंदर आप देखते हैं एक गूदा सा भरा होता है, जब उसको जो मीट खाते हैं यानी जो नॉन वेज है वो देखते हैं उसको चूसते हैं वही होता है ब्लड का, उसके अंदर भरा होता है प्रोटीन्स आयरन और एच बी होता है। एच बी का काम है हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, एक हीमोग्लोबिन फीमेल का 12 से लेकर 15 तक का ग्राम होना चाहिए आपका पर डेसीलीटर। और मेल के अंदर यह होना चाहिए 13 से लेकर 17 इतना होना चाहिए। आरबीसी के अंदर एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड होता है ब्लड, ये इसके अंदर ऑक्सीजन होती है और ये कैसे सर्कुलेट होती है आप देखते हैं, हार्ट जब पंप करता है पंप करने के बाद में एचबी के साथ में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है और शरीर के विभिन्न भागों को जो टिश्यूज है शरीर के विभिन्न पार्ट्स को टिश्यूज को सेल्स को ये पहुंचाता है जिससे कि उसमें ग्रोथ शुरू होती है। इसके अंदर आरबीसी के अंदर कुछ चीज पाई जाती है, उनकी परसेंटेज होती है उसको हम देखते हैं। ऐसा आप ब्लड रिपोर्ट देखते हैं, ब्लड रिपोर्ट के अंदर एक होता है आरबीसी क्या लिखते हैं हम एरिथ्रोसाइट इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले होता है पीसीबी, और पीसीबी होना चाहिए 35 से लेकर 45% इस पीसीबी को हम बोलते हैं पैक्ड कार्सल्स वैल्यू। एक होता है एनसीबी, एनसीबी का वैल्यू होना चाहिए 80% से लेकर 99%
इसको कहते हैं हम मीन कार्पेल्स वॉल्यूम, मीन कार्पेल्स वॉल्यूम। उसके बाद होता है एमसीएच, एमसीएच होना चाहिए आपका 26% से लेकर 32%। मीन कार्पल्स हीमोग्लोबिन। इसके अलावा एक होता है एमसीएचसी, एमसीएचसी होना चाहिए 32% से लेकर 36%। यानी 32-36% एमसीएचसी का मतलब होता है मीन कार्पेल्स हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ये था आरबीसी का। अब हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कार्पेल्स, जो आप देखते हैं रिपोर्ट के अंदर, आपका मेडिकल रिपोर्ट होती है उसमें देखते हैं। इसमें व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स जिसको हम कहते हैं यानी डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट ये कितना होना चाहिए? ये होता है 4000 से लेकर 11000 तक स्वस्थ आदमी के अंदर होना चाहिए। यानी डब्ल्यूबीसी कितना होना चाहिए? 4000 से लेकर 11000 तक। इनको हम कहते हैं टीएलसी, टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टीएलसी। इसमें डीएलसी और टीएलसी का टेस्ट करते हैं। डीएलसी के अंदर यानी डिफरेंशिएट ल्यूकोसाइट काउंट, इसके अंदर कुछ चीज आती है। इसमें आता है एंटीबॉडी, जो कि हमारे शरीर में होने वाली किसी बीमारी को रक्षा करता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के अंदर ये साथ साथ कुछ चीज होती है, यानी कोई बीमारी लग जाए तो उसकी रक्षा डिफेंस करता है या प्रोटेक्ट करता है एंटीबॉडी। ये बी सेल होती है एंटीबॉडी, ये बी टाइप की सेल होती है, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज। थोड़ा सा यानी बीमारी से ये प्रोटेक्ट करता है, ये सुरक्षा करता है, डिफेंस करता है। तो इसमें पाने वाली चीज क्या क्या होती है, क्या क्या चीज पाई जाती है? एक होता है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स होता है 45-70% तक होना चाहिए, यानी 45-70% होना चाहिए। इससे कम या ज्यादा है ये स्केल लेवल है, इससे कम ज्यादा है तो कमी है। यानी आपको कोई बीमारी है उसको टेस्ट कराना चाहिए। डब्ल्यूबीसी के अंदर नाभिक होता है, यानी एक सेंट्रल होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से ये टेस्ट किया जाता है। इसकी लाइफ टोटल 4 डेज, 4 डेज के बाद में
लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसके बाद में फिर ये बनती है। इस तरह से प्रक्रिया चलती रहती है। अभी नेक्स्ट होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट 20 से लेकर 40% तक होना चाहिए, 20-40% लिम्फोसाइट होना चाहिए। लिम्फोसाइट एक टी सेल होती है, ये टी सेल होती है। ये लिम्फोसाइट बीमारी को मारती है, यानी वो डिजीज को, जो आपका न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल बड़ी बीमारी से बचाव करता है। एंटीबॉडी देखता है कि इसके अंदर कौन सी बीमारी है, वो अवगत कराता है न्यूट्रोफिल को और लिम्फोसाइट को। लिम्फोसाइट क्या करती है, उस बीमारी को खत्म करती है। ये टी साइट भी होती है, ये बीमारी को खत्म करती है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है स्नोफिल। स्नोफिल्स ये होती है 0.1% से लेकर 0.6% तक होना चाहिए। जीरो वन से लेकर 0.6% होना चाहिए। इसका काम है जो इंफेक्शन है, बॉडी के अंदर इंफेक्शन है, उससे बचाव करना। नेक्स्ट होता है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट 0.0 से लेकर 10% तक होना चाहिए। 0.0 से लेकर कितना होना चाहिए, 10% तक। ये शरीर के अंदर बैक्टीरिया और जर्म्स को मारता है, यानी शरीर का बचाव करता है बैक्टीरिया और जर्म्स। एक लास्ट बचता है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स, बेसोफिल्स का लेवल 0.0 से लेकर 0.01%। ये बेसोफिल लेवल है। ये बाइन, ये बेसोफिल, ये बोन मैरो में पाया जाता है और एक इम्यूनाइजेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ये यानी इम्यूनाइज करने के लिए इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। नेक्स्ट आता है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के अंदर प्लेटलेट्स जिसको कि हम मेडिकल की भाषा में थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ये कितना होना चाहिए, 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख।
इतना होना चाहिए, और इसकी जो लाइफ है वो 5 to 9 days। ये डिस्ट्रॉय हो जाता है और बाद में फिर ये प्लाज्मा की वजह से द्वारा एक्टिवेट होता है। इसके अंदर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटीन है। क्या हो गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। इसके अंदर ये एक प्लाज्मा प्रोटीन से ये है, और प्लाज्मा मिलकर एक ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। जो इंजरी होती है, जो ब्लड की इंजरी होती है, इसका क्लॉटिंग को रोकते हैं, यानी एक थक्का जमाते हैं। इसके अंदर आप देखिए प्रोटीन में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। जब ब्लड सर्कुलेट होता है बॉडी के अंदर, तो हार्ट से ये ब्लड आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के पार्ट्स में जाता है, यानी टिश्यूज में जाता है, सेल्स में जाता है, हर पार्ट्स में जाता है, और वहां से यह जो गंदा ब्लड है और जो जो कि डीऑक्सीडाइज है, वह ब्लड टिश्यूज से वापस आता है वेन्स के द्वारा, और वापस मेटाबॉलिज्म के द्वारा ये क्रिया होती है, और इस प्रोडक्ट में जो वेस्टेज निकलती है उस वो वेस्टेज बाहर निकल दी जाती है किडनी से उसकी वेस्टेज को, और स्किन से बाहर किया जाता है। अभी हम देखेंगे कि यदि आरबीसी कम है या ज्यादा है, इसके लक्षण क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है। आरबीसी का कम होना या ज्यादा होना, तो क्या डिजीज, क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, यानी लो आरबीसी। यदि लो आरबीसी है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या है वो देखेंगे। लो आरबीसी है तो आपको क्या होगी, कमजोरी महसूस होगी, यानी वीकनेस। कमजोरी महसूस होगी। उसके बाद एक सिम्टम होगा फटीग। जी है, यानी थकान महसूस हो। यदि आरबीसी आपका लो है तो आपको एक थकान महसूस होगी। नेक्स्ट है पैरेस्थीन। आरबीसी लो है तो आपके शरीर में खुजली हो जाए। आरबीसी लो होने से आपके जो हार्ट की बीट है वो बढ़ जाती है, यानी रिपीट हार्ट बीट। हार्ट की बीट बढ़ जाती है, यह है लो आरबीसी का। अभी हम देखते हैं हाई आरबीसी। यदि आरबीसी का लेवल हाई है तो इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे मालूम पड़ेगा? सबसे पहले है आपके सिर दर्द होगा, सिर दर्द होना शुरू है। यदि आरबीसी का लेवल ज्यादा है तो
तो सिर दर्द होगा शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है डिजीनेस, यानी आपका सिर दर्द होगा और चक्कर आने शुरू हो जाएगा। यदि आपको आंखों की प्रॉब्लम होती है तो समझो आपका आरबीसी लो है, जो हाई आरबीसी है हाई है, यानी विजन प्रॉब्लम। विजन प्रॉब्लम है तो आरबीसी आपका हाई है, तो बीमारी इस लो आरबीसी है या हाई आरबीसी है तो इससे बीमारी क्या हो सकती है वो हम देखते हैं, यानी क्या डिजीज हो सकती है। डिजीज देखेंगे क्या डिजीज हो सकती है, क्या बीमारी हो सकती है। जब आरबीसी लो होने से हो सकती है बीमारी एनीमिया, एनीमिया मीन्स खून की कमी। खून की कमी से आरबीसी लो है तो खून की कमी हो सकती है। नेक्स्ट है ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया क्या है, यानी आपको ब्लड कैंसर हो सकता है। यदि आरबीसी लो है खून की कमी होने के कारण ब्लड कैंसर हो सकता है। मेल न्यूट्रिशन के कारण भी आरबीसी लो हो सकती है। यह विटामिन की कमी से होता है, लैक ऑफ विटामिन की वजह से होता है ये। विटामिन सी और विटामिन के इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होता है किडनी फेलियर, यदि आरबीसी लो है तो किडनी फेल हो सकती है, और किडनी फेल में आप जानते हैं क्या प्रॉब्लम होती है। किडनी फेलियर में मेजर प्रॉब्लम यह होती है कि किडनी यदि ज्यादा खराब हो जाए तो डायलिसिस करना पड़ेगा, और डायलिसिस का जो रेट है, जो खर्चा है, वो काफी महंगा है, इसलिए समय समय पर चेक कराते रहें जिससे कि ऐसी प्रॉब्लम ना आए कि किडनी फेल हो जाए। किडनी फेल होने का एक कारण और है जो कि दारू पीते हैं, यानी जो लिकर लेते हैं, लिकर के साथ में कोल्ड ड्रिंक का लेना, कोल्ड ड्रिंक में डालकर लिकर को लेना, कोल्ड ड्रिंक में डालकर लिकर को लेंगे तो आपका किडनी हर हालत में फेल हो जाएगा। नहीं देखते हम जब हाई आरबीसी है तो क्या बीमारी हो सकती है, क्या डिजीज हो सकती है। डिहाइड्रेशन,
यानी उल्टी दस्त का लग जाना, यदि आपका हाई आरबीसी है तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। नेक्स्ट है हार्ट की डिजीज हो सकती है, इसके अलावा लंग्स की डिजीज हो सकती है, इसके अतिरिक्त किडनी के अंदर कैंसर हो सकता है। और बोन मैरो में कैंसर हो सकता है, यानी हड्डियों में कैंसर हो सकता है। बोन मैरो में कैंसर हो सकता है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट डिफरेंस इनमें क्या क्या है, हम कैसे डायग्नोस कर पाएंगे कि आरबीसी के क्या लक्षण है, यानी आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के अंदर क्या क्या फर्क है, इसको हम देखते हैं। इसमें मेन चीज है देखते हैं, जब इनकी स्लाइड बनाते हैं तो मालूम पड़ता है, जिससे हम निकालते हैं कि आरबीसी कितना है, डब्ल्यूबीसी कितना है, प्लेटलेट्स कितनी है। तो स्लाइड बनाने पर हम इसके देखते हैं, सबसे पहले से आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी की स्लाइड निकालते हैं तो देखते हैं तो ये शेप कैसी होती है, राउंडेड शेप में आरबीसी होते हैं। डब्ल्यूबीसी की कोई शेप नहीं होती, यानी ये डिफाइन नहीं कर सकते, यानी नॉट कर सकते। प्लेटलेट्स की जो स्लाइड बनाते हैं इसकी शेप कॉन्वेक्स शेप का होता है, हाई एल्टीट्यूड के ऊपर हाई एल्टीट्यूड में जाने से जो आरबीसी की शेप है इसमें फर्क पड़ जाता है, ये रेल हो जाती है, बड़ी हो जाती है, लाइन फॉर्म। Not present. Line form इसमें present नहीं होता है, लेकिन WBC के अंदर line form present होता है। और line form WBC का जो period है 4 दिन का और प्लेटलेट्स का है 5 to 9 days का, उसको डिस्टर्ब कर देता है और नई एक्टिविटी होती है, नई प्लेटलेट शुरू होती है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता,
डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इस डब्ल्यूबीसी न्यूक्लियस से ही हम डीएनए आरएनए अटैच करते हैं जिससे जीन्स का पता लगता है। इसके अंदर नॉट प्रेजेंट है। विटामिन सी के कारण ये प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, विटामिन के कारण ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, यानी प्लेटलेट्स यदि कम है तो विटामिन सी के कारण होती है। इसमें प्लेटलेट्स कम होने से हमें चाहिए हम इस्तेमाल करें बकरी का दूध, ग्लोअर, एक कीवी फ्रूट आता है, कीवी फ्रूट का इस्तेमाल करें, यानी डेंगू बनने के चांसेस रहते हैं प्लेटलेट्स कम होने से। एलोवेरा का इस्तेमाल करें या मैक्सिमम हम फ्रूट खाएं, संतरा, अमरूद, ये हमारी प्लेटलेट्स को बढ़ाता है। वैसे देसी इलाज में आप देखें ग्लोर को आप घिस के सेवन करें अथवा पपीते के पत्ते को आप सेवन करें तो प्लेटलेट्स रेज हो जाती है, लेकिन डॉक्टर को दिखाना बहुत ही जरूरी है। इस कंडीशन में डॉक्टर के पास जाएं और प्लेटलेट्स को आप चेक कराएं और अपना ट्रीटमेंट लें। तो ये था आपका डिफरेंस। इसके हम देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के अंदर ब्लड क्लॉटिंग में बता रहा था कि यदि चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद धीरे धीरे वो खून बंद हो जाएगा और वहां पर एक जाली टाइप हो जाएगी जिससे कि खून बाहर ना निकले। ये काम है प्लेटलेट्स और प्लाज्मा का मिलकर, दोनों ये काम करते हैं। इसमें कुछ प्रक्रियाएं हैं जिसको हम देखते हैं, यानी प्लाज्मा और प्लेटलेट्स का दोनों का काम है। हाँ, उससे पहले मैं एक चीज भूल गया, फंक्शन ऑफ ब्लड के चार फंक्शन है। ब्लड के चार फंक्शन है, सबसे पहले टेम्परेचर को कंट्रोल करना, फंक्शन ऑफ ब्लड। यदि ब्लड यह टेम्परेचर को कंट्रोल करता है कितना होना चाहिए टेम्परेचर, 98.6 डिग्री फारेनहाइट। बॉडी के इस टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन। जो खाद्य पदार्थ है, जो आपके मिनरल्स है, जो खाने वाली चीजें ग्लूकोज वगैरह, उसको क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद में इसका काम है ट्रांसपोर्टेशन करना, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। और गैस कौन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड,
एंड ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को लेना और टीसीज के अंदर भेजना, सारे बॉडी के टीसीज के पार्ट्स में भेजना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लाना और बाहर इनहेल करना। इसके बाद है एक्सप्रेशन। ये किडनी में जाकर जो वेस्टेज है उसको बाहर निकाल देता है और यह मल द्वार से या यूरिन से द्वारा के द्वारा ये चीजें जो वेस्टेज है बाहर निकल जाती है। इसके अलावा स्किन से भी जो वेस्टेज है वो बाहर निकलती है। इसके लिए किडनी का एक महत्वपूर्ण रोल है। एक्सप्रेशन में जो अनवेस्टेज है यानी जो काम की चीज है वो शरीर के लिए पहुंच जाती है, बाकी मैक्सिमम वेस्टेज शरीर से बाहर निकल जाती है। तो अभी हम देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर ये एक लीवर का महत्वपूर्ण काम है। लीवर के अंदर कुछ चीज पाई जाती है जैसे कि हेप्टिन, प्रोथंबिन, फैब्रिनोजन, ये लीवर के अंदर पाई जाती है जिनका भी एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है और इनका क्लॉटिंग में एक महत्वपूर्ण रोल है। तो हम देखेंगे थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट मीन्स जो हमारी प्लेटलेट्स है, जैसा मैं बता रहा था प्लेटलेट्स और प्लाज्मा का रोल है ब्लड क्लॉटिंग में एक महत्वपूर्ण रोल है। थ्रोम्बोसाइट एयर से मिलने के बाद में ब्लड क्लॉटिंग, एयर से मिलने के बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन के साथ में कैल्शियम और प्रोथंबिन के साथ में और इसके बाद में क्या बनाता है, ये थ्रोम्बिन बनाता है। थ्रोम्बिन बनाता है। अभी ये थ्रोम्बिन जैसे बताता था लीवर के अंदर दो चीज पाई जाती है, प्रोथंबिन तीन चीज पाई जाती है, प्रोथंबिन फिब्रिनोजन और हेप्टिन। हेप्टिन एयर में डिस्ट्रॉय हो जाती है, ये थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन के साथ दोनों मिलकर फिब्रिन बनाते हैं।
और फिब्रिन बनाना ही एक जाली की तरह है, यानी एक जाली का रूप लेता है और एक ब्लड क्लॉटिंग का रूप लेता है। और ये फिब्रिन मिलकर ये मिलता है फिब्रिन, ये WBC RBC और प्लेटलेट्स के साथ, ब्लड का क्लॉटिंग बंद कर देते हैं। यानी क्या होता है, ब्लड का क्लॉटिंग बंद हो जाता है। ब्लड की क्लॉटिंग में ये मदद करती है। तो ये हो गया ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में जैसे बता रहा था मैं कि ब्लड से जो लिवर से निकलने वाले जो प्रोटीन्स हैं कौन कौन से, फैब्रिजोन और प्रोथंबिन और हेप्रॉन, हेप्रिन, ये मिलकर इसमें एक्शन लेते हैं। यह कमी यदि विटामिन के की कमी है, विटामिन के की डिफिशिएंसी है, लैक ऑफ विटामिन के, तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। और ब्लड क्लॉटिंग इसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन का हेमरेज हो जाता है। इसके लिए डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके लिए जैसे लगता है हेप्रिन सल्फेट प्रोटियोग्लाइकोन। तो ये था आज का पूरा सब्जेक्ट ब्लड का, CBC ब्लड और CBC। नेक्स्ट में देखेंगे हम कि ब्लड के ग्रुप कौन कौन से होते हैं और कौन सा ग्रुप किसके लिए ब्लड दे सकता है, यानी किस ग्रुप का व्यक्ति किस ग्रुप के लिए ब्लड दे सकता है, उसको हम अगले पीरियड में देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह चित्र समझ आ गया होगा। तो अगले पीरियड तक नमस्कार, जय हिंद।